हेलो गाइस, मेरा नाम है भरत और अभी मैं खड़ा हूँ एमजी के शोरूम पर और हमारे सामने खड़ी है एमजी की ग्लोस्टर जो कि फॉर्च्यूनर के सेगमेंट की कार है। आपने नाम तो सुना ही होगा एमजी की ग्लोस्टर। आज मैं आपको इस वीडियो में एमजी की ग्लोस्टर की पूरी डिटेल दूंगा। ये 2023 का ब्रांड न्यू मॉडल है, अब तो आप इसको 2024 भी कह सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा कि एमजी अपनी ग्लोस्टर में क्या क्या फीचर देता है, इसका इंजन कैसा है, इसके इंटीरियर, इसके एक्सटीरियर, इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है और फॉर्च्यूनर के मुकाबले में ये गाड़ी कितनी दमदार है, वो सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको एक एक करके इस एमजी ग्लोस्टर की पूरी डिटेल देता हूं। तो हमारे सामने एमजी ग्लोस्टर का सेवी मॉडल खड़ा हुआ है। इसमें दो मॉडल आते हैं, शार्प एंड सेवी। ये सेवी हमारे सामने खड़ा हुआ है, आप चाहे तो इसको 4x2 एंड 4x4 में ले सकते हैं। ऐसे आपको इसमें लुक मिलती है फ्रंट से देखने में आपको ऐसी फील होगी। इस गाड़ी की चौड़ाई की बात करें, मतलब विड्थ की, तो 1926 mm की इस गाड़ी में आपको विड्थ मिलती है, मतलब ओवरऑल चौड़ाई 1926 mm की। और लंबाई की बात करें, मतलब लेंथ की, तो 4985 mm की इस गाड़ी में आपको लेंथ दी गई है, मतलब ऑलमोस्ट 5000 mm की इस गाड़ी में आपको लेंथ मिलती है। और व्हील बेस की बात करें तो 2950 mm का आपको व्हील बेस दिया गया है, मतलब दोनों टायरों के बीच की दूरी, मतलब इस गाड़ी में भर भर के आपको व्हील बेस मिलता है। दोनों टायरों के बीच की दूरी है 2950 mm, ऑलमोस्ट 5000 mm इस गाड़ी की लेंथ है, मतलब इस गाड़ी की लंबाई। फ्रंट की लुक की बात करें तो ऐसे आपको फ्रंट से लुक मिलेगी, काफ़ी दमदार आपको फ्रंट से लुक मिलती है। और फीचर्स तो एमजी ने भर भर के दिए हैं, एमजी तो फीचर के लिए ही जाना जाता है। ऐसे आपको फ्रंट से लुक मिलती है। की बात करें तो ऐसे आपको चाबी मिलती है, ऐसे आपको इसमें चाबी दी गई है, जैसे कि एमजी हेक्टर में आती है उससे आपको थोड़ी सी डिफरेंट चाबी दी गई है। इस टाइप की आपको चाबी मिलेगी जिसमें आपको लॉक, अनलॉक एंड टेल गेट को आपको ओपन करने की बटन दी गई है। यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी विंडशील्ड मिलती है और उस पर आपको एडास का कैमरा भी मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी बड़ी आपको एक्चुअल में विंडशील्ड दी गई है। इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिलते हैं और यहाँ पर आपको एडास के कैमरे मिलते हैं। अगर आप इस एंगल में देखेंगे तो आपको कैमरे दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको कैमरे दिए गए हैं एडास के। और ये इसके वाइपर, रेन सेंसिंग आपको वाइपर मिलते हैं। और वाइपर की क्वालिटी की बात करें तो भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको वाइपर मिलते हैं। और फ्रंट में आपको एलईडी में पूरे प्रोजेक्टर में आपको हेडलैम्प का सेटअप दिया गया है। ये इसके हेडलैम्प का सेटअप, यहाँ पे आपको स्वाइपिंग में इंडिकेटर मिलेंगे और रात में इनका उजाला काफ़ी अच्छा है। अभी भी आप देख सकते हैं, वीडियो में आपको दिख रहा होगा काफ़ी अच्छा आपको इनमें उजाला मिलता है। फुल एलईडी टेक की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग भी मिल जाती है। लो एंड हाई बीम के लिए आपको अलग अलग प्रोजेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे आपको इसमें फॉग लैंप मिलते हैं। और ये इसका पूरा बोनेट का एरिया, काफ़ी भारी भारी फ्रंट से फील होती है। और फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको एक पार्किंग सेंसर दिया गया है, एक पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, दो आपको बीच में दिए गए, मतलब 6 आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं फ्रंट में। और यहाँ पर आपको एमजी का लोगो दिया गया है, उसके नीचे आपको 360 डिग्री का कैमरा मिलता है। और यहाँ पे आपको ग्रिल दी गई है, यहाँ पे आपको सिल्वर का यूज़ मिलेगा, नीचे क्रोम का, काफ़ी बड़ी आपको ग्रिल मिलती है। उसके पीछे इसका रेडिएटर लगा हुआ है, आगे मैं इसके इंजन पे भी आऊँगा। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी 210 mm की इस गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एक्चुअली में आपको काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, यहाँ पर आपको पूरा ब्लैक कलर का यूज़ मिलेगा, काफ़ी बड़ी बड़ी फील होती है। 210 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अगेन आप हेडलैम्प की लुक को देख सकते हैं, अप्रोच एंगल आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है। टायर की बात करें तो इसमें आपको डायमंड कट टाइप में आपको अलॉय व्हील दिए गए हैं, गुडियर के इसमें टायर लगे हुए हैं जिनकी प्रोफाइल है 255/55 आर, 19 इंच का आपको इसमें अलॉय व्हील दिए गए हैं। फॉर्च्यूनर में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं 4x4 में, एंड 4x2 में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, इसमें आपको 19 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े बड़े आउटसाइड मिरर मिलते हैं और यहाँ पे आपको उस पर आपको साइड का इंडिकेटर मिलेगा। यहाँ पे आपको कैमरा दिया गया है 360 डिग्री का। और यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलती है, अगर आप देखेंगे तो ये किस चीज़ की ब्रांडिंग है आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर रूफ रेल मिल जाती है काफ़ी बड़ी बड़ी सिल्वर कलर टाइप में, और इसमें आपको पूरी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है जो कि फॉर्च्यूनर में मिसिंग है। और यहाँ पे आपको पूरी आपको यहाँ पर क्रोम की पट्टी मिलती है जो कि ऊपर तक कंटिन्यू होती है पीछे के क्वार्टर पैनल तक, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। क्रोम में आपको आउटसाइड डोर हैंडल दिए गए हैं, उसी पे आपको रिफ्रेश सेंसर मिलेगा।
और यहाँ पे आपको पूरे फुट स्टेप मिलते हैं काफ़ी बड़े बड़े, और इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि गाड़ी काफ़ी ऊंची है तो फुट स्टेप की आपको ज़रूरत पड़ती है। ऑल फोर आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी और यह है इसके सस्पेंशन का ट्रेवल, काफ़ी अच्छा आपको सस्पेंशन का ट्रेवल मिलेगा और काफ़ी बड़े बड़े आपको साइड के विंडो दिए गए हैं अगर आप देखेंगे तो, और क्वार्टर पैनल भी आपको काफ़ी बड़ा फील होता है। और यहाँ पे भी आपको पार्किंग सेंसर मिलता है। ये गाड़ी एक्चुअली में फॉर्च्यूनर से भी बड़ी लगती है और एक्चुअली में बड़ी है भी, अगर आप इसको रोड पर देखेंगे तो फॉर्च्यूनर से भी ये गाड़ी आपको बड़ी फील होती है और एक्चुअली में बड़ी है भी अगर आप अपनी आँखों से देखेंगे तो। यहाँ पर आपको पूरी LED में टेल लैंप मिलती है और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इंडिकेटर मिलते हैं, ये भी थोड़े से स्वैपिंग में होने थे लेकिन देखने में टेल लैंप की लुक आपको काफ़ी अच्छी फील होती है। यहाँ पे आपको इंटरनेट इनसाइड की आपको ब्रांडिंग मिलेगी। रियर में आपको शार्क फिन एंटीना, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। फोर व्हील ड्राइव की आपको ब्रांडिंग मिलती है। एडास की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है, ये एक अच्छी बात है, इसमें आपको एडास मिलता है। यहाँ पर आपको पूरे बड़े बड़े अक्षरों में ग्लोस्टर की ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पर आपको कैमरा दिया गया है 360 डिग्री, और इसकी टेल गेट को आप इलेक्ट्रॉनिक वे में ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, ऐसे इसकी टेल गेट ओपन होती है अगर आप देखेंगे तो, और इसके थ्रू भी आप इसको चाहे तो क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे बटन दिया गया है, उसके थ्रू भी आप चाहे तो टेल गेट को क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जैक वगैरह इसमें मिलेंगे, यहाँ पे आपको भी मिलेगी। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है अगर आपका टायर पंचर हो जाता है इन्फ्लेटर वगैरह लगाना हो तो। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप सी फील होगी, स्क्रीन पर आपको इसकी बूट स्पेस शो हो रही होगी। यहाँ पे आपको नीचे एग्जॉस्ट दिए गए हैं अगर आप देखेंगे तो, दोनों साइड में आपको एग्जॉस्ट मिलते हैं। और ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, नीचे आपको इसका स्पेयर व्हील मिलेगा, ऐसा आप इसके टेल गेट को क्लोज भी कर सकते हैं। फोर व्हील ड्राइव और एडास की आपको ब्रांडिंग मिलती है। रियर में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं दबाकर। और फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ से आप इसमें डीजल फिल करेंगे अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है तो, ये अंदर से ही ओपन करना होगा, अभी तो ये ओपन नहीं हो रहा। 75 लीटर की आपको डीजल टैंक कैपेसिटी मिलती है। ये ओपन करके भी मैं आगे दिखा दूँगा, अभी मैं आपको इसके इंटीरियर को दिखाता हूँ कि MG ग्लोस्टर में आपको कैसा इंटीरियर मिलता है, क्या क्या फीचर मिलते हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर ओपन करेंगे, ऐसा आपको ड्राइवर साइड डोर दिया गया है। और यहाँ पे आपको ऑल फोर पावर विंडोज़ के बटन मिलेंगे, लॉक अनलॉक है, चाइल्ड लॉक है, पूरे आपको यहाँ पर बटन दिए गए हैं, ऐसा आपको ड्राइवर साइड डोर मिलेगा। यहाँ पे आपको 1 लीटर की बोतल रखने की स्पेस मिल जाती है, उसके पीछे आप चाहे तो एक और 1 लीटर की बोतल को रख सकते हैं। यहाँ से आप इसकी फ्यूल लूट को ओपन करेंगे जो कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पे आपको पूरा ये वाला लेदर का यूज़ मिलेगा, मतलब सॉफ्ट टच का यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलेगा, और यहाँ पर आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ दिया गया है। और यहाँ पर आपको MG की इसका प्लेट दी गई है, ये भी ग्लो करती हैं। उसमें आपको मेमोरी सीट मिलती है, दो आपको मेमोरी सीट के फंक्शन मिलते हैं। वेंटिलेशन के साथ में सीट दी गई है और पूरी आपको इलेक्ट्रॉनिक वे में सीट मिलेगी, पूरी आपको लेदर राइट सीट मिलती है MG की ग्लोस्टर में। और ये इसका इंटीरियर, अभी मैं इसके अंदर बैठ गया हूँ, ऐसी आपको लुक मिलती है। मैं आपको इग्निशन को ऑफ करके ऑन करके दिखा देता हूँ, अभी मैं इसके इग्निशन को ऑन कर देता हूँ, अभी मैंने इसके इग्निशन को ऑन किया है। ऐसा आपको पूरा डिजिटल वे में मीटर दिया गया है, इसमें आपको 220 तक यहाँ पर स्पीड मिलेगी। इस साइड में आपको 6000 तक मार्किंग दी गई है क्योंकि ये डीजल में है और डीजल में ही आती है। और बीच में आपको पूरा डिजिटल वे में मीटर दिया गया है जिसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन शो होती है। यहाँ पर इस यहाँ पर आपको फ्यूल का मीटर, इस साइड में आपको टेम्परेचर का मीटर मिलेगा, कौन सा डोर ओपन है, कौन बैठा है, सभी आपको यहाँ पर शो होता है। और ये इसकी स्टीयरिंग व्हील, पूरी आपको लेदर राइट स्टीयरिंग व्हील मिलती है MG की ग्लोस्टर में। उसके बीच में आपको MG का लोगो मिलता है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के बटन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको सेट के, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडास के यहाँ पे बटन मिलते हैं लेन असिस्ट वगैरह के। यहाँ पे आपको कॉल उठाने के, काटने के, म्यूजिक के कंट्रोल मिलते हैं, वॉइस कमांड के। और ऑटोमेटिक में है तो इसमें आपको पेडल शिफ्टर दिए गए हैं, ये बात अच्छी है, ये तो फॉर्च्यूनर में भी आते हैं। यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे, इस साइड में आपको हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। और ये इसके AC के वेंट, काफ़ी अच्छे आपको AC के वेंट मिलेंगे। यहाँ पे आपको आउटसाइड मिरर के कंट्रोल मिलते हैं और यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवल का बटन भी आपको यहीं पर दिया गया है।
काफ़ी शानदार आपको डैशबोर्ड की लुक दी गई है, काफ़ी प्रीमियम इसका डैशबोर्ड लगता है। अभी मैं इसके रियर के कैमरा को आपको दिखा देता हूँ रिवर्स में डालकर, कैसा आपको इसमें कैमरा दिया गया है। इसके कैमरे की बात करें तो ऐसा इसमें कैमरा मिलता है, क्वालिटी को आप देख सकते हैं, मैं डिसेंट क्वालिटी कहूँगा, डिसेंट क्वालिटी का इसमें कैमरा दिया गया है। एमजी हेक्टर में इससे थोड़ा सा अच्छा कैमरा मिलता है, इसमें कंपनी को थोड़ा सा कैमरा को इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ पे आप अलग अलग मतलब साइड से आप इस कैमरे से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक IR VM दिया गया है और यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड में आपको काफ़ी बड़ा सन वाइजर मिलता है विथ वैनिटी मिरर के साथ में। हेक्टर में यहाँ पे LED में लाइट आती है, लेकिन ग्लोस्टर में हेलोजन में दी गई है। ड्राइवर को ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी मिरर दिए गए हैं विथ सन वाइजर के साथ में, वैनिटी मिरर मिलते हैं। काफ़ी लग्जरी इसका डैशबोर्ड है और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी एक्चुअल में टच स्क्रीन दी गई है। 12 इंच से तो मुझे ये बड़ी लग रही है, काफ़ी बड़ी आपको इसमें टच स्क्रीन दी गई है जिसमें आपको सब इन्फॉर्मेशन शो होती है। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पे आपको गाना वगैरह की प्रो ऐप वगैरह मिल जाएगी और यहाँ पे आपको AC के वेंट दिए गए हैं। ऐसे आपको AC के वेंट मिलेंगे, पूरा आपको ऑटोमेटिक वे में AC दिया गया है। यहाँ पे आपको 1000 lamp की स्विच मिलेगी, यहाँ पर भी वही सॉफ्ट टॉच का यूज़ किया गया है। 6 इसमें आपको एयरबैग मिलते हैं और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की डैशबोर्ड की फिनिशिंग मिलेगी, यहाँ पे आपको सब वूफर भी मिलेगा। और सनरूफ की बात करें तो इस गाड़ी में आपको पूरी पैनोरमिक सनरूफ मिल जाती है, यहाँ से आप इस सनरूफ को ओपन भी कर सकते हैं, पूरी आपको पैनोरमिक रूफ इस गाड़ी में मिल जाती है। यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए हैंडल भी दिए गए हैं और यह है को ड्राइवर की सीट, काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट दी गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैं सीट पर अभी बैठा हूँ, आधे घंटे से मैं इस गाड़ी में बैठा हुआ था, इसलिए काफ़ी आप देख सकते हैं पूरी लेदर की सीट दी गई है, काफ़ी कंफर्टेबल, अंडरथाई सपोर्ट हो सब आपको अच्छा मिलेगा। कोई भी सीटों में लंबे रूट में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, काफ़ी प्रीमियम एंड लग्जरी आपको सीट दी गई है इस कार में। और यहाँ से आप इसकी सनरूफ को ओपन भी कर सकते हैं, ऐसा आप इस गाड़ी की सनरूफ को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको एयरबैग की ब्रांडिंग मिलेगी, एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट दी गई है और ये है बीच का एरिया। 2 आपको कप होल्डर मिलते हैं, यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड के, स्नो के, अलग अलग रॉक के, सैंड के अलग अलग आपको मोड मिल जाते हैं स्पोर्ट के, यहाँ से आप इसके मोड को चेंज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वे में आपको पार्किंग ब्रेक दी गई है, यहाँ पर आपको सीट के बटन मिलते हैं जो कि वेंटिलेशन सीटें हैं। और ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 8 स्पीड का ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, यहाँ पे आपको पूरा ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं डिफरेंशियल के, ट्रैक्शन के, हिल डिसेंट कंट्रोल के, ऑटोमेटिक के, पार्किंग के, सभी आपको यहाँ पे बटन दिए गए हैं फिजिकल। और यहाँ पे आपको 12 volt का सॉकेट मिलता है, Type A का सॉकेट दिया गया है, पूरा आपको काफ़ी बड़ा AC का पैनल मिलता है। और ये इसका ग्लो बॉक्स, एक्चुअल में काफ़ी बड़ा आपको इस गाड़ी में ग्लो बॉक्स मिलता है, काफ़ी बड़ी आपको टच स्क्रीन दी गई है। ये इसका मीटर और स्टीयरिंग व्हील को आप ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वे में आप इस स्टीयरिंग को चेंज कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। पेडल शिफ्टर दिए गए हैं, यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। और ये है नीचे के पेडल, 2 ही पेडल है, डेड पेडल दिया गया है क्योंकि ऑटोमेटिक में और ऑटोमेटिक में ही आती है, 1 ही इंजन है। आगे मैं इसके इंजन पर भी आऊँगा और इसके इंजन की भी आपको डिटेल दूंगा। अगर रियर की बात करें तो ये इसका रियर का डोर, एक्चुअल में काफ़ी बड़ा आपको रियर का डोर दिया गया है, यहाँ पे सॉफ्ट टच का वही यूज़ है। यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ का बटन मिलेगा, 1 लीटर की बोतल को आप यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पे ये नीचे फुट स्टेप दिए गए हैं, इन पे पैर रख के आपको इस गाड़ी में चलना होगा। अब ये 6 सीटर में, आप चाहे तो 7 सीटर में भी ले सकते हैं। 6 सीटर में आपको ये कैप्टन सीट मिलेगी, यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट दिए गए हैं, यहाँ पर आपको AC के कंट्रोल मिलते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पे ये पैनल दिया गया है जिसमें आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, Type A का सॉकेट ये मिलते हैं। और ये इसका फ्रंट का डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए हुक भी मिलते हैं और ऊपर आपको रूफ में AC दी गई है, यहाँ पे आपको रूफ लैंप भी मिल जाती है। और ये इसकी सीट, और आप चाहे तो यहाँ 20 से भी 3rd row में जा सकते हैं। 3rd row की स्पेस में आपको बैठ कर बता देता हूँ, अभी मैं इसके 3rd row में आ गया हूँ।
थोड़े से आपके पांव बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप छोटी दूरी पर जा रहे हैं 100-150 किलोमीटर तक की दूरी पर, मतलब 2 घंटे का रास्ता है, 2-2.5 घंटे का, तो बड़े एडल्ट भी बैठ सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। बाकी आप बच्चे बैठे तो अच्छी बात है, हालांकि फॉर्चुनर से हैं तो थोड़ी आपको मेरे हिसाब से सीट आपको अच्छी मिल जाएगी, मतलब पीछे की थर्ड रो का कह रहा हूँ, क्योंकि ये सीटों को ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ से ये मोड़ा गया है, जिससे कि पाँव आसानी से अड़े नहीं और पाँव में थोड़ी सी जगह रहे, उस हिसाब से ये दी गई है अगर आप देखेंगे तो। बाकी हेडरूम इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, इसको भी कंपनी ने यहाँ से कर्व किया है, हेडरूम काफ़ी अच्छा मिलता है आपको, और अंदर थाई सपोर्ट की बात करें तो भी आपको अच्छा मिल जाता है, ऐसा नहीं है मतलब काफ़ी मतलब कम है, काफ़ी अच्छा आपको लेग रूम, हेड रूम, अंदर थाई सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको कप होल्डर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, और थर्ड रो में भी आपको यहाँ पे एसी के वेंट दिए गए हैं, ये एक अच्छी बात है। इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। अब मैं इस गाड़ी के इंजन पर आता हूँ और इस गाड़ी के इंजन की आपको पूरी डिटेल देता हूँ कि कैसा आपको इसमें इंजन दिया गया है। यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है MG की ग्लोस्टर में। अभी मैं आपको इसके इंजन की डिटेल देता हूँ। इसमें आपको 2000 cc का इंजन दिया गया है, यहाँ पर इसमें आपको 2000 cc का इंजन मिलता है विथ हाइड्रोलिक के साथ में आपको ये इंजन दिया गया है। काफ़ी आसानी से इसका बोनट ओपन हो गया है। MG की ग्लोस्टर में आपको 2000 cc का इंजन मिलता है, ट्विन टर्बो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हो गया, मतलब दो दो इसमें टर्बो लगे हुए हैं जो कि इसको पावर निकाल के देते हैं 215 bhp की, और टॉर्क की बात करें तो 480 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिलता है इस इंजन में। बाई टर्बो ये इंजन है 2000 cc का, 215 bhp की पावर निकाल के देता है। फॉर्च्यूनर के इंजन की बात करें तो इसमें आपको 201 bhp की पावर मिलती है, हालांकि 203 कंपनी कहती है, लेकिन 201 bhp आपको पावर मिलती है फॉर्च्यूनर में। काफ़ी पावरफुल ये भी इंजन है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। माइलेज की बात करें तो 12 के राउंड इसमें आपको माइलेज मिलेगी। यहाँ पे इसमें आपको इंसुलेशन भी प्रॉपर दी गई है, 75 लीटर का आपको डीजल का टैंक मिलता है इस साइड में, जो कि इसको 12 की माइलेज निकाल कर देता है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अभी मैं आपको एंड में इसकी प्राइस भी बता देता हूँ MG की ग्लोस्टर की, कि अभी 2023 में इसकी प्राइस क्या है। ये मेरे सामने ये एक पर्चा पड़ा हुआ है। इसके ये सभी मॉडल की बात करें तो 4x2 में ये आपको 48,50,000 की प्राइस में मिलेगी, मतलब 48.5 लाख, और 4x4 की बात करें तो 51 लाख के अराउंड, 51 से 51.5 लाख के अराउंड इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ती है हमारे जोधपुर राजस्थान में। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।